सरकार मिलके बंदा अली दा जद बनदा ए बंदा अली दा जद बनदा ए पुत्र बंदे दा तद बनदा ए मिलके जरा बनदा अली दा जद बनदा ए पुत्र बंदे अगे अंदर रखे बुगज जो नाली अली दे रखे बुगज जो नाली अली दे मोमन नहीं मुर्तद बनदा मोमन नहीं मुर्तद बनदा पुत्र बंदे मुश्किल पवे सिर दे उते ए मुश्किल पवे सिर दे उते हुण ते अली नू सद बनदा बंदा अली दा मेरे रब दा नाम ही अली है अली उन अजीम बंदा अली दा जद बनदा है पुत्र बंदे दा तद बनदा है मुस्तफा दी जात ने फरमाया अली तेरा मकाम इस तरह है जिस तरह प्यासे वास्ते कुएं दा मकाम है तो साढ़े अगे तुम गयूर नौजवान हो मेरी मिलत के नौजवान हो जरा यह दसिया जे थोड़े अगे सवाल है कभी कुआं भी टुर के प्यासा लाया बोलो तो सही यार जदों भी गया है प्यासा ही टुर के गया है मुरीद अल भी पीर आया मुरीद के बुलाण के उत्ते पीर आया है लेकिन मुरीद नूं जदों लोड़ पई है मुरीद ही पीर अल गया है इस तरह गुलाम हमेशा आका वल जाएगा जो गुलाम बुलांदा उदू आका आंदा ना लेकिन मैं फितरतन गल पे करना मेरे महबूब की जात ने फरमाया अली जिन्हों फैज की लोड़ हुई ना वो आके तेरे कोल आवेगा ते जो आके जेड़ा ना तेरा नारा मारेगा ना ते तेरा फैज जारी हो जाएगा आ मैं तेन उस दौर दे विच लै जाना मेरे महबूबे मुस्तफा दी पाक चची फातिमा बिनते असद ओ मकाम नू कोई जान ही नहीं सकदा हजूर दी जात ने फरमा उम्मी बाद उम्मी मां तो बाद मेरी मां फातिमा है अता के जड़ा मैं तुहाडे समातां दी नजर अदीस करन लगा मेरे महबूबे मुस्तफा दी जात ने जदों हजूर दी इस पाक चची दा विसाल होया मेरे महबूबे मुस्तफा दी जात ने अपनी पाक कमीस उतारी उतार के हजूर दी जात ने कफन के तौर दे उत्ते अपनी चची नूं दित्ती यार जिन्हां दा कफन कफन जिहड़ा है उहदा कपड़ा कमली वाले दी कमीज़ होवे ते फिर इन्ना ही नहीं मेरे महबूब मुस्तफा दी जात ने फरमाया कब्रे अनवर दे विच लेटे हजूर दी नबी खुद जलवागर होंदे ने कब्रां दे विच जरा सवाल ते जवाब समझो ना ते यार जिन्हां जिस करीम आका दी आमद उस कब्रे अनवर दे विच होनी है ते जो हजूर खुद ही लेट गए होंगे ते फिर कब्र दे उत्ते कैसा नूर होवेगा हजरत जी वकार मियां साहब रहमतुल्ला लै कहंदे ने रहमत दा सादा बयान करना ते सिर्फ सुरा शेर सुनाउंदा तुहानू पता लगे
मेरे महबूबे मुस्तफा दी जात लेटे भी ते हजूर उठे, उठन तो बाद मेरे महबूबे मुस्तफा दी जात ने ओ युदुल्ला वाले गोरे गोरे हत्थां दे नाल कंकर पिछा किते मेरी चाची ने आना है आराम करना है, मेरी चाची नू कंकर ना चुभ जान यार, जिन्हां दी कबर च रसूल जलवा घर होण और पत्थर उठा के अपनी चाची दे वास्ते जिहड़ा ना ओ ए इंतजाम करदे होण उस पाक चची दे जिहड़ा ना तवाफ काबा है, और दो जिहड़े ना इहदे चश्मदीद गवाह ने जनाबे हजरत बुरादा और उस तो बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। बोलो यार बोलो, तुहाडा बोलना बनता जशन अली अल मुर्तजा शेरे खुदा है, जशन सुनना तो फिर जशन वाला मूँह बना है। जनाबे अबू तालब यार जिन्हां दी बीवी मोमना होवे और जिन्हां दा बेटा कुल्ले ईमान होवे और जिन्हां दी जड़ा ओ नू नबियां दे सरदार दी जड़ा ना ओ वारस होवे और जिन्हां दे जड़ा ओ नस्ल दे विचों जनाबे शहजादा इमामे हसन वर्गे और इमामे हुसैन वर्गे फुल होण फिर वो किस तरह जड़ा ना ओ दोज़खी हो सकता है। बोलो यार, असहाबे काफ ने अपना ईमान छुपाया और जाहिर ना किया तो वह भी तो जनती ने ना, तो जे अली इब्ने अबी तालब दे नाल जनाबे अबू तालब इस तरह के होंदे तो मौला पाक दे नां दे नाल अबू तालब का ना लगना ही नहीं सी। हजूर दी जात ने अपने ना दे नाल ना लखवा के दसिया कि मेरे वालदे मोहतरम का मकाम जड़ा वो दुनिया नहीं जान सकती, उन्हां दा मकाम या अल्लाह जानदा या अल्लाह दा रसूल जानदा। चाबी बोझे विच काबे दे मतवली दा पुत्र होवे ते चाबी ना होवे कोल, चाबी बोझे विच तवाफ पे करने आ इत्थे रुको जुमला समाप्त फरमाया जे काबा बनया, काबा की है बैतुल्ला, बोलो तो सही यार, ए सारे घरां दी लज रखण वाला काबा है जिहदे वल मूँह करके नमाज पढ़ने आ। कदी गाजी चक की मस्जिद वल भी किसी मूँह करके नमाज पढ़ी है, क्योंकि मस्जिद है वह बैतुल्ला है, घर भी अल्लाह का है, लेकिन सारे घर जिन्हों अल्लाह ने अपना घर आखिया वह बैतुल्ला है, जिदे नमाज इतने नमाज पढ़ने जो जमात न पढ़ेगा उन्होंने सताइया का जोड़ा मसले उत्ते खलो के इमामत करवाएगा उन्हें 250 का, और जो घर खलो के पढ़ेगा उन्होंने एक का वह पता नहीं पूरा लभना कि नहीं लभना, लेकिन उत्थे जाके जो नमाज अदा करेगा उन्होंने किन्ना लभेगा वह लख दा यरा। बोलो तो सही, ये जुमले याद करने वाले ने उन्होंने लख दा, इत्थे कुल्ली पाई है ना, तो जदों घर बन गया ना तो अर्ज की मौला बन गया, खुदा दी जात ने फरमाया लैना की है, लैना की है, मकान चंगा बनाए तो मिस्त्री नू मजदूरी पुछदे ने अगले जिन्होंने ड्यूटी लाई होवे ना आंदे ने कि काम सोना कीता ही मंग की मंगना ही, तो जनाबे खलील इलाही तो जनाबे इस्माइल ज़बीउल्लाह बाप दे होंदे पुत्र तो नहीं ना बोलता, तो बाप की जात फरमाते ने मैं मौला मंगन लगा तो देना तो साए हजरत जी वकार खलील इलाही बोल के कहते ने अल्लाह रब्बना वबा सुफीहिम रसूला कमली होवे अगर काले गुना लैके आउंदे ओ अपनी कमली पाएगा इना दी माफी हो जाए। चाबी पहला ठीक सी है हुण इना खराब कर छड़े, चाबी उहनां दे कोल है, बोलो यार चाबी कोल है, ते पता की फरमांदे ने इत्थे एक जुमला है, तवज्जो मेरे अल यार, हिलो जुलो ना, तवज्जो मेरे अल, रब दी जात ने फरमाया इनू आने वाले वास्ते रुकू करने वाले वास्ते सजूद करने वाले वास्ते कयाम करने वाले वास्ते और इतकाफ करने वाले वास्ते मेरा घर साफ करो,
कयाम घर दे अंदर होंदा है बाहर होंदा है रकू भी कर दे बाहर होंदा है और सजदा भी कर दे बाहर होंदा है ते इतकाफ कर दे अंदर होंदा है बोलो सही इतकाफ दी कम से कम मुद्दत है तीन दिन या तीन रातां रकू करने वाले असी सजदा करने वाले असी तवाफ करने वाले बोलो तो सही यार काबे दा तवाफ करने वाले असी रकू करने वाले असी और सजदा करने वाले असी इस मौके दे उत्ते एक होर गल दार उस घर नूं आंदे ने जिथे मालक कदी फेरा पाए कदी ना पाए बैत उस घर नूं आंदे ने जिथे मालक रात भी रवे अल्लाह दी जात ते रात रहन तो पा के ना बोलो तो सही यार ते फिर घर दे अंदर कौन रहा है या अली अल मुर्तजा रहे नहीं या अली अल मुर्तजा दी वालदा रही है बोलो यार जिसले जनाबे अबू तालब नु हुक्म होया ना कि ए तकलीफ है ते बच्चे दी वलादत दा वक्त करीब है ते बुआ खोलो ना ते अबू तालब कहंदे ने तू जाने काबा जाने या ए बच्चा जाने बोलो यार उधर जनाबे ए तत्बीक नहीं देंदा नबियां दा मकाम वराल वराए अली कुल्ले ईमान ने लेकिन जदों जनाबे मरियम सलामुल अलैहा ते मौका आया ना खुदा दी जात ने फरमाया जाए वलादत नहीं जाए इबादत ए इबादत दी थाए बच्चे दी वलादत दी था नहीं लेकिन अल्लाह दी जात ने जदों इमरान दी बीवी मेरे महबूब दी जड़ा और हजूर दी जात दी चची और अली अल मुर्तजा दी वालदा मोहतरमा ते वलादत दा वक्त करीब आया रब दी जात ने फरमाया अपने घर जान दी लोड़ कोई नहीं मैं जाना अली जाने काबा जाने जुमला मैं बड़ा वड्डा कह दिता है मैं तुहानू पहला आख्या बह के समाध फरमाओ मैं जाना काबा जाने ते अली जाने हुण दीवार काबा शक होई बोलो सही है दीवार क्यों शक होंदी है कानून कुदरत दा है वे गली सौड़ी होवे आफ जी किबला समाध फरमाया जी गली सौड़ी होवे लाला जी अगू प्यो भी आउंदा होवे ते इक पासों पुत्र भी आउंदा होवे अलाली पुत्र बह जाएगा प्यो उत्तों दी लंघ जाएगा आरामी पुत्र खलो जाएगा आप भी खलोवेगा ते अबे नूं भी खलवा देगा बोलो यार ते जदों गए ना ते आपने हाथ रखे ना एक हाथ जुत्ते ते पैर नाल लाए ना ते पेट दे विच जिहड़ा बच्चा है अली अल मुर्तजा ने को आम नहीं नाल लगा ना ते आप कहंदियां ने मौला मैं तेरे ते ईमान लियाउण वाली हाँ जेड़े तू रसूल भेजे ने मैं उन्हां ते भी ईमान लियाउणी आ जिहड़ियां तू किताबां नाजल कीतियां ने मैं उन्हां किताबां ते भी ईमान रखनी आ और मैं अपने दादा इब्राहिम दे सहीफियां ते भी मनन वाली आ और ईमान रखण वाली आ ते मौला मेरी मुश्किल कुशा ही करो खुदा दी जात ने फरमाया आउण वाला मुश्किल कुशा है मंगिया उस नबी दा सदका ही जिदा वीर भी मुश्किल कुशा है ते मैं मौला वा मैं भी मुश्किल कुशा वा जा मुश्किल कुशा दे जोड़े दा सदका फातिमा तेरी मुश्किल कुशाई कर दे बोलो यार बोलो मोहब्बत ना कह दियो और सौड़ी गली है एक पासो बाप टुरिया पे आउंदा है एक पासो बेटा पे टुरिया आउंदा है हलाली पुत्र बवेगा दलील दे नाल है ना हलाली पुत्र बवेगा ते बाप नु आखेगा अब्बा जी उत्तों दी लंघो ते बाप लंघ जाएगा हरामी जड़ा ना खलोता रहेगा आप भी खलोता रहेगा बाप नु भी खलवाएगा ते अली सन अबू तुराब ओ बोलो तो सही यार मैं बड़ा वड्डा जुमला कह दिता तुहाडे उत्तों दी लंघ गया अली सन अबू तुराब ओवे तुराब बोलो तो सही यार तुराब नु पता लग गया मेरा बाप आ गया उन्हें आख्या मैं बह जानी हाँ ते बाप आ जाए बोलो या दूसरा जदों इंसान नु कोई जख्म लगे ना थोड़ा नसूर बनया होवे उन्हों नश्तर लवाया जाता है कट लवाया जाता है उस कट की वजह तो जख्म जिहड़ा ना उहदा ठीक हो जाता है काबे दे वेच सन 360 बुत बोलो तो सही यार तो वह पता लग गया उन्होंने कि साडा नश्तर आ गया है सानू तहस नहस और बर्बाद करने वाला ली आ गया है हजरात दी वकार फिर कहना पै गया
ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार ला फता सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवर हुन ईमान वालियो जदों मेरे मौला दी वलादत होई अली नूर अली कुल्ले अली पाक आए अली पाक दे उन दे नाल काबा भी खिलिया मेरे रसूल अजीम नु पता लगा चाबियां जड़ियां ने लान दी कोशिश करदे ने कमली वाला ओथे कोई नहीं जदू मेरे ते तुहाडे करीम लजपाल रसूल अजीम आए आप दी जात जिसले सामने आई चची बोल के कहंदी है दिल नवाज पति जिया मुबारक को भी अल्लाह ने परा दिता ने मुबारक लई हजूर ने मुबारक लई पर रो पईया हजूर दी जात फरमांदे ने चाची मैं मुश्किल कुशा वा तुसी मेरे अंदर रोइया क्यों मेरी चाची हो जड़ी को गल है करो चाची बोल के कहंदियां ने मैनू ते इंज लगदा है बच्चा नाबीना है बोलो तो सही ये बच्चा नाबीना है तो मेरे रसूल दी जात ने जदों अली नूं हथ दे विच लिया ना तो लमस महसूस होई अखां बंद होण बंदे नूं पता लगदा है कि मैनू किन्ने फड़िया वो सारिया नूं पता नहीं लगता लेकिन जिन्हां नूं लगता उन्हां नूं लग ही जाता है बोलो तो सही यार जदों मौला पाक दी जात यदुल्ला वाले गोरे गोरे हत्थां विच हजूर दे विच आए ना तो अखां खोल दित्तियां ते रसूल पाक दे मुख्य अनवर की तलावत करन लग पे इस गल नूं मेरे नबी ने सहाबा दे विच कीता ली वो बचपन वाला वाकया सुनाओ ना अखां खोल दे निसो मौला पाक दी जात चश्मे पुरना मौके कहंदे ने सुनिया मैं वा असदुल्ला जिदे च आया वा होवे बैतुल्ला ते मेरा दिल दी दलील ए बनी है जदों मैं अखां खोलां ते होवे चेहरा रसूलुल्लाह मैं कमली वाले दे मुखे अनवर दी तलावत करा तां सुनिया अखां जड़ा ना मैं निसन खोलियां मेरे मौला पाक दी वलादत बा सादत होई ते चाची बोल के कहंदी है कि सुनिया शायद लिया भी है ते इन्हां नूं गुड़ती ना देईए मेरे महबूबे मुस्तफा दी जात ने फरमाया चाची गुड़ती अज इंज दी देंगा कायनात किसे गुड़ती दित्ती नहीं होनी बोलो तो सही यार ऐ समाज फरमाया जी हुण गुड़ती दा लमस मेरे ऐ लाला जी तुहाडे कोल चूंकि असीं सारे देसी माहौल दे आ ना ते आलणे लगे होंदे ना ते विच चिड़िया अपने बच्चियां नूं दाणा चुगांदी है ते ओह बच्चे बोट जिन्हां नूं कहिंदे ने बोट मूँह खोलदे ने ते मां विच चोग सटदी है बोलो तो सही यार मां चोग सटदी है ना ते इंजी अली अल मुर्तजा दी जात ने अपना मुँह मुबारक खोलिया ते विच मेरे महबूब ने अपनी जुबान हजूर दी जात ने अपनी जुबान दाखिल की थी अली अल मुर्तजा ने मेरे कमली वाले दी जुबान तसली दे नाल चूसी बोलो तो सही यार अगे जुमला मैं इंजी ना पढ़ दई है सारा ही तरनम लाना तो फिर वो चलिया नहीं जाता तो जो ना समाध फरमाया जी मेरे महबूब की जुबान तहर जदों चूसे ले ना मौला पाक ने इको बारी जिंदगी चली अल मुर्तजा ने जुबान चूसी है तो हाल ए वे क्या फरमंद ने सलूनी अम्मा दू ना लर्श एक बारी जुबान चूसी है ना ए ततबीक करया जे ते आप दे इलम दा ए वे हाल के आप कहंदे ने सलूनी अम्मा दून अल अर्श दो साल हुसैन लजपाल ने जुबान चूसी है आप दे इलम दा क्या कहना बोलो यार हशर तक आखे की दुनिया कर्बला वाला हूँ
आखिरी जुमला मैं चूके वादे का वफा करने वाला जिसले मैं आखिरी आना तो तुहाडी तरावत दसती है मैं तुहाडे ही मोहसन और तुहाडे ही मुरबी और तुहाडे ही उस्ताजी अल मुकर्रम उन्होंने पालिश किए हैं तुहाडे वास्ते और तुहाडिया मुहब्बत ने ईमानदारी की गल मैं भाई अनायत नूं ये भी मैं जुमला कहना मैं अज राज की गल इस मिंबरे रसूल ते बह के कर ही दिया मेरे बजुर्गों ने इन्हां पिंडां दे विचों उन्हां ये फरमाया सी कि गाजी चक वाला बच्चा भी तेनों फोन करे ना आना हर कम छड़ के ओदे उस पैगाम ते लब्बा है काखनी मैं अपने बजुर्गों की अंदर वाली गल खुदा वादा शरीक जान के अपने नाने दादे नूं सामने रख के आना उन्हें आखा ही बच्चा भी अगर आखे तो ओदा भी हया करना है तो यार वड्डियां दा ते मकाम वराल वराए जिन्ना अखा ने दिल भर डिठा वो अखियां तक लईयां तू मिली ते साजन मिलिया हुण आसां ने लग पईयां आखिरी जुमला सुनाना वा यमन दा रहण वाला एक फैमिली एक घराना है जिस तरह असीं एक फैमिली हाँ यह जिन्ना टाइम पर गुजारने साडा टाइम उत्थे भी इंजे शुमार पे आउंदा है ये जदों सानू किसी भी चीज़ ने काम नहीं ना होना ये पुड़ी ने विच पै जाना जश्न मुर्तज़ा वाली ने तो साडा काम बन जाना ईमानदारी की गल है यह जी गल सुना लगा ना यह गल जी ना तुसी सुनोगे तो तुहानू पता लगेगा जिन्हों का जश्न मनाने वो जश्न वाले पहुँचते हैं कि नहीं फैमिली है यमन के रहने वाले ने बाप है उदी बीवी है तो उदा एक बच्चा है 13 रजब नू मौला दा जशन 3 शबान नू इमामे आली मुकाम दा जशन ते जेड़ा इन्हां नू नाम मन्ने उन्हां तिन्हां चों ना 13 चों गल ते कहण वाले ने कह दित्ती है ना ना तिन्हां विचों ना 13 विचों है जेड़ा इन्हां नू नाम मन्ने हजूर ये जशन मनांदे ने वध चढ़ के ते आशक जड़े ना अपने महबूबा का जिक्र करते ही होंगे ने इन्हों को रुपया पैसा मुक गया तो जशन का टाइम भी नेड़े आ गया तो जशन इमामे आली मुकाम का आया जशन हुसैन लजपाल का यार जिक्र मैं आते ने ना मौला पाक की जात ने जिन्हों का बाप मुश्किल कुशाए हुसैन लजपाल की मुश्किल कुशाई क्यों नहीं की थी? मौला पाक की जात को पता है कि हुसैन पैदा ही इसे वास्ते हो बोलो यार बोलो इमामे हुसैन प्यारी चीज दियो ते पुत्र तू वड़ा प्यारा को नहीं कुर्बानियां करन लग पे फिर इशारे उधर नहीं जाता लेकिन मैं तो तत्बीकन समझाना क्या प्यारी चीज दियो ना ते पुत्र तू प्यारा को नहीं होंदा ते जो पुत्र पेश किया ना ते बाप ते बेटा एक दूजे ना गल्लां पे करदे ने अब्बा जी अखां ते पट्टियां लाया जी अब्बा जी इस तरह करिया जी छुरी तेज करिया जी उन्हां दा मामला है एक देवन लगिया अखां ते बज गईयां पट्टियां करबला विच यार ने यारां ते डोरां सटियां इमामे आले मुकाम दे हथी और हुसैन पाक दी रूह वेख के भी आंदी है वक्त आते लैन दे 72 दे के नाने दे दीन दी लाज ना रखा ते मैनू करबला वाला हुसैन बोलो यार बोलो कह दो सुभान अल्लाह जशन जो आते ने रुपया मुक गया पैसा मुक गया अंदर मां ते पुत्र गल्लां पे करदे ने वो आंदे ने साडे कोल शै को नहीं बची जशन दवाण वास्ते ते करिए की ते बेटे दी कन्नी आवाज पै गई ते बेटा पुछदा बाबा किदा जशन मनाना है बाबा बोल के कहंदा बेटा हुसैन बादशाह दा जशन मनाना है बोलो तो सही यार हुसैन कौन ने उन्हें आख्या अली दे पुत्र ने जहरा दा जड़ा है वो चैन ने मेरे रसूले अजीम दे वो नवासे ने उन्हें दा जड़ा जशन मनाना है ते पुत्र बोल के कहंदा बाबा तेरे को जे चीज को नहीं पुत्र तू वड्डी दौलत को नहीं मंडी लै जा मेरी कीमत लवा लै मैनू वेच सर ते हुसैन दा जशन मना लै जदों बाप ने बेटे नूं खड़िया भाई खालद मंडी बाजार दे विच गया ते गाह कोई ना लब्भा ते वापस लैके तुज मेरे अल बेटा छोर नहीं डालना आखिरी आखिरी जुमले समात फरमाया जे जदों कोई ना लब्भा ते वापसी पे आउंदे ने मुंडे ते तलवार है एक घोड़ सवार है
शकलू इंज लगता जिंजे सरदार है। मैं गल कह गया इहदे विच ही रमज है। मुकर्रर जिहड़े ने जानदे ने मेरी गल कि मैं कित्थों बोलिया वा। मुंडे ते तलवार है, सिर ते दस्तार है, एक सोहना जिहा घोड़ सवार है। इहदी शकल वेख के लगदा इह ही सरदार है। ते आप दी जात बोल के कहंदे ने किहड़े मामले नूं गए सो ते किधर चले हो। उन्हां आखिया छड्डो तुसीं राही मुसाफिर, तुहानूं की दसीए साडे घर दीआं गल्लां ने। फरमाया जे राही मुसाफर अपने तो वध के करे तो उन्हें दस भी लानियां चाहीदियां ने। जदों दस्या ना तो उन्होंने बोझे दे विच जिहड़ा ना ओह हथ मारिया तो उन्हें आख्या अशरफिया ने लै जाओ इन्हां नूं जिहड़ा ना ओह तुसीं ते ऐ मेरे मगर बा दिओ। तो वह मुंडा बह गया मगर, तो वह अशरफिया लै गए। तो मुंडा थोड़ा जिहा अगा दूर गया तो उन्होंने मुंडे नूं मां याद आ गई। सानू तो याद आउंदी नहीं ना। तमिया साहब फरमाते ने मां मनी तो सब जग मनिया। पहला मुरशद मां है। मां प्यो जिसने नाराज न किते उन्हें किधरे ना मिलनी था है। मां याद आ गई। वो बच्चा पिछू हिलन लग पाया तो घुड़सवार पुछते ने की गल। उन्हें आख्या मां याद आ गई है। तो उन्हें आख्या भाई बाप के लित्र भी याद ने। जे बाप को पता लग गया ना कि भाई मैं ते तेरा सौदा कर लिया तो पैसे मेरे कोल ने तो तू पहला आ गया। उन्हें मेरिया पसलियां लित्रा नाल त्रोड़ सड़निया ने। तो घुड़सवार फरमान लगे बाप जो मारन लगे वो कन्न दे विच आ जुमला आखी ते तेनों नहीं मारन लगा। बोलो तो सही यार हजरात दी वकार। जदों सारे सौंदे ने घर में जड़ा मां जागदी जागदी पई है। मियां साहब कोल बैठे सड़ा फरमांदे ने रस्ता उडीकां रस्ता उडीकां दिल बल अपने याद आई। तो मां ने आख्या तेरा बाप तो सौदा कर रहा है तो तू पहले ही आ गया ये रात भी नहीं कढ़िया। तो उन्हें आख्या जे बाप नू पता लगा। उन्हें आख्या अम्मा बाप नू उठते लैन दे। ते बाप जिसले उठिया ना ते तवज्जो ना समाध फरमाया जे तुहाडे यंग मिलाद कमेटी वाले खूबसूरत नौजवानों के नज़र है जुमला है मुहब्बत नाल जिहड़ा ना इहनू अपनी झोली च पा के दिल दे नाल ला लिया जे। तवज्जो दे नाल समाध फरमाया जी। उन्हें आख्या बाप उठते लैन दे मां मेरे को भी गल है। तो जदों बाप उठिया ना तो बाप ने जिहड़ा ना सोटा लाला अनायत चुकिया। जिसले सोटा चुकिया ना तो उन्हें आख्या अब्बा बिन शक गल सुनन तो बाद मार लवी पहला ना मारी मेरी गल जरूर सुन लै। सोटा खाण तो बाद गल तो नहीं ना सुनी जानी। तो बाप ने आख्या करो। उन्हें आख्या जशन किदा मनाना ही। उन्हें आख्या जशन मौला हुसैन का मनाना है। उन्हें आख्या ओ जिदे मोंडे ते तलवार एक सोहना जिहा घोड़ सवार और जिहड़ा लगदा शकलू जिवें ए ही सरदार है। उन्हें आख्या बाप नूं ए जुमला आखी कि जिदे नां दा जशन मनाने उसे हुसैन ने खरीद के आजाद कर दिता है। बोलो यार बस बस आखिरी जुमला जी तुहाडी मुहब्बत की नज़र तुसीं समाज तुहाडे वास्ते ऐड किया है। हलीफा मामून रशीद का दरबार है। इमामे रजा का दौर है। जना कोई आ गया उहदे कोल सत जुल्फ दे वाल सन मेरे महबूबे मुस्तफा दी जुल्फ पाक दे वाल। वह महफल सजी होवे ते अली पाक का जिक्र होवे ते विच नबी का जिक्र ना होवे। बोलो तो सही यार रसूल पाक दी जुल्फ दे वाल सन ना ते खुशबू उस महल चु भी आँदी जिस महल फुल उन्ना खुशबू उधर ही आँदी है। तो रसूल पाक दी जुल्फ दे वाल उहदे कोल सत ते ओ खलीफा पुछ के आंदा कि ये कौन है। उन्हें आख्या जी ए जिहड़ा ना महबूबे मुस्तफा दे मूह मुबारक ने सत। उन्हें आख्या की लैने। उन्हें आख्या 7000 दिरम। जदों दिरम लैके टुरन लगा ना थोड़ा जिनागा गया उन्हें आख्या मैनू की पता है कि जिहड़ा ना खुशबू ला लई आ या असली ने या नकली ने।
ते पता जे जिहड़े बादशाह हुंदे ने उहनां दे वज़ीर बड़े सियाणे हुंदे ने ते वज़ीर कोलों बोल के तोजो मेरे वल वज़ीर कोलों बोल के कहिंदा जिन्हां दी जिस महबूबे खुदा आप दे इमूमे मुबारक ने आप दी नस्ल विचों कोई फुल आवे ते ओह दस सकदा हजूर दे ए वाल है ने या नहीं। इमामे रज़ा नूं बुलाया गया, इमामे रज़ा नूं बुलाया गया ते इमामे रज़ा नूं पुछया गया हजूर मेरे कमली वाले दे मूंह मुबारक है ने या नहीं। तो सैयद दे बाल ने जिहड़ा जुमला दिता मत्थे ते बनन वाला है हजूर दी जात ने सत्तां दे विचों त्रै नखेड़ के परां कीते चार इधर कीते आपने फरमाया चार कमली वाले दे ने त्रै नकली ने। बोलो तो सही यार हजरत जी वकार मियां साहब दा शेर फिर दा एंड काले पुल फरमाया ए चार मेरे अल वेखो ना मैं बड़ी मेहनत करके लियांदे ने जुमले ए चार हजूर दे ने ते ए त्रै नकली ने। उन्हें क्या हजूर तुहानू किंज पता लगा है आप फरमाते ने पता तो बाद दसंगा अग बालो जदों अग बाली गई तो जेडे त्रै सन भाई अनायत विच रख्या तो सड़ गए जदों मेरे महबूबे मुस्तफा दे जुल्फ दे हजूर दे मूँह मुबारक आए ना तो अग भी गुलजार हो गई। और यार जे खलीले इलाकी आप नु जड़ा चीखा दे विच पाया जांदा है मंजनीक दे जरिए सटिया जांदा है और जड़ा जबरील आके कहंदा हल्लक हाजतन तुहाडे कोल कोई है जड़ा ना सवाल करने वाली कि मैं पहचान खुदा दी बारगाह अली च। फरमाया तू तो बाद ही परवाज करके जाना ना तो खुदा दिलां दीआं वी जानदा है ओनू आप अल्लाह की जात नू आप पता है कि खलील नू की चाहिदा है ते खुदा की जात दा कुरान अल्लाह ने फरमाया नारकूनी बरदऊ असला माला इब्राही ईमान वाले हालक दा कुरान बोलिया अल्लाह ने फरमाया नार ठंडी हो फरमाया मेरे खलील ते ईमान वाले पुछण वाला पुछदा है खलीफा बोल के कहंदा है इमामे रजा तुहानू किंज पता लगा ए असली ने या नकली ने। आपने फरमाया जिनस जिनस पहचान दी है ये मेरे कमली वाले दे वाल ने ए जेड़े मेरे ने ए भी ओना दे ने। अमीर अल मोमिनीन मैं तुहाडे वास्ते ऐड कीता है अमीर अल मोमिनीन जनाबे खलीफतुल मुसलमीन खलीफा बिला फसल जनाबे हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु तआला दा दौरे इंसाफ है। बोलो सही यार मैं जुबे वाली गल वल गया मौला पाक नू घर लै जाण वल गया ते पेंडा दरकार है क्योंकि जिस तरह का वादा किया सिर्फ इन्होंने कहा कि 10 मिनट विच एक्सट्रा मिला लैने ने। ओ तवज्जो मेरे अल बेटा हजूर की जात का दौर है जड़े एक ने कसम चुक दी उन्हें आख्या मैं हाथी जिन्ना टुकर जड़ा ना वह देंगा खुदा की बार गालिए हाथी दे वजन जिन्ना तो हाथी का वजन तो ढेर सारा होंगे कोई अबल तो कोई माप तोल ही नहीं न सकता तो जे मापे तोले तो वजन ही सूफ जी बहुत ज्यादा हो जाता है। दाखिल होए जनाबी अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हजूर दाखिल होए जनाबे फरूक आजम परेशान ने हजूर ने पूछा कि मामला पेश आया उन्हें क्या हजूर मामला ये पेश आया कि जने अपनी कसम चुकी है तो उन्हें आख्या कि मैं हाथी के वजन के बराबर तोल के दियांगा तो हजूर हाथी का साडा कंडा तो 4 किलो हाथी का वजन टना के मुताबिक किस तरह तोलीए हाथी तोलिया नहीं जाता अली अल मुर्तज़ा की जात ने फरमाया जे तोलन वाला होवे तो हाथी भी तोलिया जाता है। बोलो तो सही यार हजरत जी वकार मियां साहब सुनते ने आप वर्मा ने गालब शेर अल्लाह गालब
शेर अल्लाह दायो ते वीर पाक नबी दा गिनती विच नहीं आ सकदा भाई रुतबा जे तोलन वाला होवे ते तोलिया भी जा सकदा तो जो मेरे अल तुहाडियां मुहब्बतां दी वजह तो मैं पहला जुमला बोलिया अंदरों बोलिया हजूर दी जात ने फरमाया तोलन वाला होवे ते तोलिया भी जा सकदा है। इंतजाम करो नदी के किनारे चलने कश्ती ते कदद हाथी हाथी आया ते कश्ती भी आई। मौला पाक दी जात ने फरमाया वेखो ना कश्ती पानी दे उत्ते वे थले जा ही नहीं सकदी। ओ बोलो ते सही है ते जे जाए भी ते अपने कोनियां तक जाएगी हेठां जान नहीं लगी। जो हाथी विच रखिया गया ना ते कश्ती पानी दे वही डुबी। हजूर दी जात ने फरमाया हाथी कढ लवो जिहड़ा ए एवे दे गिरद दायरा ला लवो ए मुताबक जिहड़ी चीज उहने मन्नी है इहनू दे छोड़ो ते दी मन्नत पूरी हो जाए। बोलो यार बोलो हजरत जी वकार मिल के बंदा अली दा जद बनदा ए बंदा अली दा जद बनदा ए पुत्र बंदे दा तद बनदा ए मिल के जरा बनदा अली दा जद बनदा ए पुत्र बंदे दा तद बनदा ए अगे अंदर रखे बुगज जो ना मुश्किल पवे सिर दे उते ए मुश्किल पवे सिर दे उते हुण ते अली नू सद बनदा बंदा अली दा मेरे रब दा नाम ही अली है अली उन अजीम बंदा अली दा जद बनदा है पुत्र बंदे दा तद बनदा है। अल्लाह पाक दी बार के करीमी इस दी दे अंदर जिन्ना महफल दा इख्तमाम कीता अल्लाह दी जात उन्हां दे घरां नूं अपनी रहमत दे नाल जिहड़ा ना माला माल फरमाए उन्होंने जिहड़ा वह इलम और खिलम दे विच और उन्होंने इस माल दे विच जिहड़ा ना बरकत अता फरमान और जश्ने मुर्तजा इस तरह जारी हो सारी खुदा दी जात सानू जिहड़ा ना मनाण दी तौफीक अता फरमान। मेरे महबूब मुस्तफा दे आजम चिश्ती लिखते ने चारे यार हजूर दे हैन आला नहीं कोई इन्हां चारा वर्गा ना धरती ने पैदा किया इना जान नि सारा वर्गा आजम शान सदीक की पुछना है कला यार हजारा जेड़े रब न भी पसंद सन ते खुदा दे रसूले खुदा नु भी पसंद सन अल्लाह दी जात जश्ने मुर्तजा अपनी बारगे करीमी अंदर कबूल ते मंजूर फरमान और सानू जेड़ा ना नमाज पंजगा नवा जमात अदा करने तौफीक अदा फरमान। सल्ले अला मुहम्मद वाला अली।